हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को ज़रूर बजाइए, जिससे हमारे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हर हर महादेव भक्तों, आज हम मंदिर से निकाले गए एक शिव भक्त की कथा श्रवण करेंगे, जिसके मान के लिए भगवान शिव ने चमत्कार दिखाया, जिससे लोग हैरान हो गए। शिव महापुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में 12 ज्योतिर्लिंगों को साक्षात भगवान शिव से उत्पन्न माना गया है। इसमें एक मान्यता यह है कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में कुछ लोगों का कहना है कि यह गुजरात में द्वारका के समीप स्थित है, तो कुछ लोगों का मानना है कि यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में स्थित औंधा यानी उल्टा नागनाथ मंदिर है। आइए अब हम महाराष्ट्र के औंधा नागनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग के बारे में जानते हैं। औंधा नागनाथ मंदिर महाराष्ट्र राज्य के हिंगोली जिले में स्थित है। यह एक प्राचीन शिव मंदिर है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि भगवान शिव ने अपने एक भक्त नामदेव के समर्पण और श्रद्धा को देखते हुए इस मंदिर का मुख घुमा दिया था। एक बार नामदेव नाम के भक्त औंधा नागनाथ मंदिर, जिसे कभी कभी अवनंद नागनाथ मंदिर भी लिखा जाता है, में गए। उस मंदिर के पुजारी जाति व्यवस्था में विश्वास करते थे। मंदिर में पहुंचने के बाद नामदेव बैठे और भगवान की पूजा करने लगे, लेकिन पुजारियों ने उनकी बाँह पकड़ ली और उन्हें मंदिर से बाहर निकाल दिया। पुजारियों ने कहा कि आप इस मंदिर में पूजन और परिक्रमा नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक निम्न जाति से आते हो। पुजारियों द्वारा यह व्यवहार से नामदेव को गहरी चोट लगी और वह मंदिर से निकल जाने के बाद मंदिर के पीछे गए और भगवान की पूजा करने बैठ गए। अपनी प्रार्थना में उन्होंने भगवान शिव से विनती की कि भगवान, मैं आपके मंदिर आया और पुजारियों ने मुझे आपका पूजन भी नहीं करने दिया। उनका कहना है कि मैं एक छोटी जाति का हूँ, इसलिए मैं अपना कंबल उठाकर मंदिर के पीछे बैठकर आपका पूजन कर रहा हूँ। भगवान, आप मुझे कभी मत भूलना। अगर आप मुझे भूल गए तो मुझे कौन पार उतारेगा? हे भगवान, मैं आपका भक्त हूँ और आपको सच्चे हृदय से प्रेम करता हूँ। प्रभु, मुझे निम्न कहने वाले लोग केवल मेरा अपमान नहीं करते, वे आपके नियम का भी उपहास करते हैं, क्योंकि मुझे आपने ही इस जाति में जन्म दिया है। मेरे मरने के बाद आपने मुझे स्वर्ग दे दिया, तो मुझे छोटी जाति और निम्न कहने वाला कोई व्यक्ति इस बारे में नहीं जान पाएगा। आप सर्वशक्तिमान हैं मेरे प्रभु, कुछ ऐसा कीजिए कि आपकी शक्ति और मेरी भक्ति पर कोई प्रश्न चिन्ह ना रह जाए। नामदेव भगवान शिव से रहते हुए यह सब प्रार्थना कर रहे थे। भगवान शिव ने अपने भक्त के भावों का मान रखते हुए शक्ति दिखाई और मंदिर का मुख अचानक पीछे की ओर घूम गया। मंदिर का द्वार उसी ओर हो गया जिधर नामदेव बैठकर भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रहे थे। तब से लेकर आज तक यह मंदिर वैसा ही है। यह मंदिर प्रतीक है सच्चे भक्त पर शिवजी की कृपा का। यह दुनिया का एकमात्र ज्योतिर्लिंग है
जिसका द्वार पश्चिम की ओर खुलता है, अन्यथा सभी मंदिर और शिव मंदिरों का द्वार पूर्व या उत्तर की ओर रखा जाता है, क्योंकि इन दिशाओं को शुभ माना जाता है। उल्टी दिशा में इस मंदिर का द्वार होने के कारण ही इसका नाम औंधा नागनाथ मंदिर रखा गया। मान्यता यह है कि अपने वनवास काल के दौरान पांडव यहाँ आए और इस स्थान पर कुछ समय के लिए रुके थे। उस समय उनकी गायें पानी पीने के लिए समीप ही नदी तट पर जाती थीं। पानी पीने के बाद उन गायों का दूध अपने आप नदी में बह जाता था। मानो गाय नदी को दूध भेंट कर रही हों। एक दिन भीम ने यह चमत्कारी घटना को देखा। उसने तुरंत धर्मराज युधिष्ठिर को इस घटना के विषय में बताया। तब धर्मराज ने कहा, निश्चित रूप से कोई दिव्य शक्ति यहाँ स्थित है। तब उन्होंने खोजा तो उन्हें नागनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन हुए। इसके बाद उन्होंने ही इस ज्योतिर्लिंग को यहाँ स्थापित किया। मान्यता यह है कि एक समय यह मंदिर सात मंजिल का था और बहुत ही भव्य था, लेकिन हिंदू धार्मिक स्थलों का विनाश करने वाले शासक औरंगजेब की सेना ने इस मंदिर को ध्वस्त कर दिया। तब केवल इसका निचला हिस्सा ही बच गया था। इसके बाद इस ढांचे के ऊपर ही देवगिरी के यादवों ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। इसलिए इस मंदिर का निचला हिस्सा और ऊपर का हिस्सा अलग अलग दिखते हैं। हर हर महादेव। भक्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मान्यता यह है कि एक समय यह मंदिर सात मंजिल का था और बहुत ही भव्य था, लेकिन हिंदू धार्मिक स्थलों का विनाश करने वाले शासक औरंगजेब की सेना ने इस मंदिर को ध्वस्त कर दिया। तब केवल इसका निचला हिस्सा ही बच गया था। इसके बाद इस ढांचे के ऊपर ही देवगिरी के यादवों ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। इसलिए इस मंदिर का निचला हिस्सा और ऊपर का हिस्सा अलग अलग दिखते हैं। हर हर महादेव। भक्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में